उत्तर प्रदेश के नगर निगम चुनाव में एक वार्ड महिला के लिए आरक्षित होने के बाद वहां के वर्तमान पार्षद राजकिशोर यादव ने अपनी सीट बचाने की जुगत में शादी तक कर डाली और अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया। हालांकि सारे राजनीतिक दलों ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हुई हैं, उन पर नेताओं की पत्नियों को टिकट ना देकर पार्टी के ईमानदार और साफ सुथरी छवि वाली महिला कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाया जाएगा। फिर भी कई आरक्षित वार्ड में पूर्व पार्षदों की पत्नियां कतार में लगी हुई हैं। वार्ड 43 जो कि महिला के लिए आरक्षित हो गया है, तो चूंकि मेरी 31 तारीख को विवाह समारोह था, तो उसके उपरांत जनता का जो अपार प्यार था, लोगों ने कहा कि आप पुनः इस क्षेत्र की सेवा कर सके और अपनी पत्नी के को इलेक्शन में खड़ा करके और उनका सहयोग करके क्षेत्र की विकास को निरंतर इसी प्रकार बढ़ाते रहे। नवाबगंज क्षेत्र के वार्ड नंबर 43 से पिछला चुनाव सपा के राजकिशोर यादव जीते थे। उनकी शादी आगामी 23 नवंबर को नेहा नाम की लड़की से होने वाली थी। घर में खुशियों का माहौल था, तभी अचानक नगर निगम चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया। 22 नवंबर को मतदान होना तय हुआ। सपा पार्षद उस वक्त हक्के बक्के रहे।